हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज मैं ये वाला डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये डिज़ाइन आप किसी भी प्रोजेक्ट पे डाल सकते हैं, स्वेटर, लेडी स्वेटर, जेंट्स स्वेटर, बेबी स्वेटर, किसी भी प्रोजेक्ट पे डाल सकते हैं। रॉन्ग साइड कैसे दिखता है ये डिज़ाइन? जस्ट 8 रोज़ का डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए 6 मल्टीपल में फंदा लेना है, प्लस 4 करना होगा, मल्टीपल ऑफ 6 प्लस 4। इसमें मैंने 6 मल्टीपल करके 12 प्लस 4 कर लिया है, टोटल 16 कर लिया है। फर्स्ट रो अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। 4 फंदा सीधा, 1 2 3 4, धागा आगे, फिर 2 फंदा उल्टा, 1 2। यहाँ से यहाँ तक एक डिज़ाइन ख़त्म हुआ है। आपको यही रिपीट करना है बार बार। 4 फंदा सीधा, 2 4, फिर 2 फंदा उल्टा, 2। आपको यही रिपीट करना है धागा पीछे। यहाँ से फिर वही रिपीट करना है। 4 फंदा सीधा, 1 2 3 4, धागा आगे, 2 फंदा उल्टा, 1 2। यहाँ तक 2 डिज़ाइन ख़त्म हुआ है। लास्ट में आपको 4 फंदा बचेगा, 4 फंदा सीधा, धागा पीछे, लास्ट का 4 फंदा सीधा, 1 2 3 4। फर्स्ट रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब सेकेंड रो आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। 4 फंदा उल्टा, 1 2 3 4। अब 2 फंदा, ये 2 फंदा को 2 2 बार यहाँ नंबर करना है, धागा को आगे रखना है, 1 2। फिर इसको भी 2 बार यहाँ नंबर करना है, 1 2। यहाँ से यहाँ तक एक डिज़ाइन ख़त्म हुआ है। आपको यही रिपीट करना है बार बार। 4 फंदा उल्टा, 2 4, फिर 2 फंदों में 2 2 बार यहाँ नंबर करना है, 1 2। आपको यही रिपीट करना है। यहाँ से फिर वही रिपीट करना है। 4 फंदा उल्टा, 1 2 3 4। अब इस 2 फंदों में 2 2 बार यहाँ नंबर करना है, 1 2 1 2। यहाँ तक 2 डिज़ाइन ख़त्म हुआ है। लास्ट में आपको 4 फंदा बचेगा, 4 फंदा उल्टा, 1 2 3 4। सेकेंड रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब थर्ड रो 2 फंदा सीधा, 1 2। अब ये 2 फंदा को छोड़कर अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। अब इस 2 फंदा और एंड पर किया फंदा को ट्विस्ट करना है, राइट नीडल आगे से लेना है। अब इस दो आगे की 2 फंदा को पीछे लाना है। अब इस फंदा को लेफ्ट नीडल में लेना है, फिर ये 3 फंदा सीधा बुनना है, 1 2 3। अब फिर ये 3 फंदा को ट्विस्ट करना है, राइट नीडल पीछे से लेना है, पीछे की 2 फंदा को आगे लाना है और आगे की 1 फंदा को पीछे। अब इस फंदा को लेफ्ट नीडल में लेना है, 1 2। अब इस 3 फंदा सीधा बुनना है, 1 2 3। ये 2 फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिज़ाइन ख़त्म हुआ है। आपको ये रिपीट करना है बार बार। 3 फंदा को ट्विस्ट किया, फिर 3 फंदा को ट्विस्ट किया। आपको ये रिपीट करना है। यहाँ से फिर वही रिपीट करना है। अभी 2 फंदा और 1 फंदा ट्विस्ट करना है, राइट नीडल आगे से लेना है, आगे की 2 फंदा को पीछे लाना है और पीछे की 1 फंदा को आगे। अब इस फंदा को लेफ्ट नीडल में लेना है, फिर ये 3 फंदा सीधा बुनना है, 1 2 3। फिर ये 3 फंदा ट्विस्ट करना है, राइट नीडल पीछे से लेना है, पीछे की 2 फंदा को आगे लाना है और आगे की 1 फंदा को पीछे। अब इस 2 फंदा को लेफ्ट नीडल में लेना है, 1 2।
अब इस तीन फंदा सीधा बुनना है, एक दो तीन। यहाँ तक दो डिजाइन खत्म हुआ है, लास्ट में आपको दो फंदा बचेगा, दो फंदा सीधा, एक दो। थर्ड रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब फोर रो सब उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। फोर रो भी सब उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है। और फिफ्थ रो दो फंदा सीधा, एक दो, धागा आगे फिर एक फंदा उल्टा, सीधा फंदा को भी उल्टा बुनना है। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, धागा पीछे, चार फंदा सीधा, एक दो तीन चार, धागा आगे फिर दो फंदा उल्टा, एक दो। ये तीन फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको ये रिपीट करना है बार बार, चार फंदा सीधा, दो चार, फिर दो फंदा उल्टा, एक दो। आपको ये रिपीट करना है, धागा पीछे। आप यहाँ से फिर वही रिपीट करना है, चार फंदा उल्टा, सॉरी चार फंदा सीधा, एक दो तीन चार, धागा आगे दो फंदा उल्टा, एक दो। यहाँ तक दो डिजाइन खत्म हुआ है, लास्ट में आपको एक फंदा बचेगा, धागा पीछे, लास्ट का एक फंदा सीधा। फिफ्थ रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब सिक्स रो एक दो फंदा उल्टा, एक दो। अभी एक फंदा को दो बार यार्न वर्क करना है, धागा को आगे रखना है, एक दो। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, चार फंदा उल्टा, एक दो तीन चार। अब इस दो फंदों में दो दो बार यार्न वर्क करना है, एक दो, फिर इस फंदा में दो बार यार्न वर्क करना है, एक दो। ये तीन फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको ये रिपीट करना है बार बार, चार फंदा उल्टा, दो चार, फिर दो फंदों में दो दो बार यार्न वर्क करना है, एक दो। आपको ये रिपीट करना है, यहाँ से फिर वही रिपीट करना है, चार फंदा उल्टा, एक दो तीन चार। अब एक फंदे में दो बार यार्न वर्क करना है, एक दो, दो फंदा उल्टा, एक दो। सिक्स रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब सेवन रो दो फंदा सीधा, एक दो। अब तीन फंदा को ट्विस्ट करना है, राइट नीडल पीछे से लेना है, ये पीछे की दो फंदा को आगे लाना है और आगे की एक फंदा को पीछे। अब इस दो फंदा को लेफ्ट नीडल में लेना है, एक दो। अब इस तीन फंदा सीधा बुनना है, एक दो तीन। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। अब ये दो फंदा और एक फंदा को ट्विस्ट करना है, राइट नीडल आगे से लेना है। अब इस फंदा को भी लेफ्ट मीडियम में लेना है, फिर ये तीन फंदा सीधा बुनना है, एक दो तीन। फिर एक फंदा और ये दो फंदा को ट्विस्ट करना है, राइट नीडल पीछे से लेना है, पीछे की दो फंदा को आगे लाना है और आगे की एक फंदा को पीछे। अब इस दो फंदा को लेफ्ट मीडियम लेना है, एक
दो, अब ये तीन फंदा सीधा बुनना है, एक दो तीन, एक दो तीन चार पाँच, ये पांच फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको ये रिपीट करना है बार बार, लास्ट में आपको एक दो तीन चार पाँच, पांच फंदा बचेगा, ये दो फंदा और एक फंदा को ट्विस्ट करना है, राइट नीडल आगे से लेना है और ये आगे की दो फंदा को पीछे लाना है और पीछे की एक फंदा को आगे। अब इस फंदा को लेफ्ट नीडल में लेना है, फिर ये तीन फंदा सीधा बुनना है, एक दो तीन, लास्ट में दो फंदा बचेगा, दो फंदा सीधा, एक दो, सेवन रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब एट रो, एट रो सब उल्टा बुन के कंप्लीट करना है, एट रो भी सब उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है। देखिए ये डिजाइन जस्ट एट रोज का है, एट रोज में ऐसा डिजाइन बन के आएगा। अब फिर से रो वन से एट तक रिपीट करके जाना है, जब ये बार बार रिपीट करेंगे तो ये डिजाइन ऐसा बन के आएगा। लास्ट में मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।